हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवांश और आज की इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाला हूँ रेडमी S2 के बारे में। तो Xiaomi ने आज ही लॉन्च कर दिया है इस फ़ोन को चाइना में और इसके सारे ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन और चाइना के अंदर जो प्राइसिंग है वो लीक हो चुकी है, यानी ऑफिशियल कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या मिलता है, और लास्ट में आपको प्राइसिंग भी बताऊँगा और लास्ट में अपना ओपिनियन प्लस कंक्लूजन भी दूंगा कि क्या ये जो स्मार्टफोन इंडिया में आएगा तो इस प्राइसिंग के अंदर बेटर होगा या फिर इसके कंपटीशन में कौन कौन से मोबाइल जो हैं इससे बेटर हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कलर्स की बात करूँ तो ये 3 कलर में आ रहा है। पहला है रोज गोल्ड, फिर है शैम्पेन गोल्ड, फिर है प्लैटिनम सिल्वर। यहाँ पे 3 कलर आपको दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं। ये भी है गोल्ड, रोज गोल्ड वाला कलर। उसके बाद मैं दिखाऊँ, ये है गोल्ड शैम्पेन गोल्ड और ये है प्लैटिनम सिल्वर, और आगे में इसके ब्लैक बेजल मिलते हैं। तो मुझे पर्सनली ये कलर ज़्यादा पसंद है क्योंकि आगे में ब्लैक बेजल्स हैं। परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर मिलता है विथ एडर्नो का 506 GPU, 3+32GB का इंटरनल स्टोरेज आपको फर्स्ट वेरियंट में देखने को मिलेगा, और जो दूसरा वेरियंट है उसका उसमें आपको 4GB+64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा की मैं बात करूँ तो फ्रंट कैमरा यहाँ पे काफ़ी हाईलाइट किया गया है क्योंकि बजट में आपको काफ़ी अच्छा फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इसमें 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है विथ आगे में सॉफ्ट लाइट LED फ्लैश भी आपको देखने को मिल जाएगी। AI का इंटीग्रेशन किया गया, तो AI का पोर्ट्रेट मोड भी आप ले सकते हैं, AI का स्मार्ट ब्यूटिफिकेशन मोड में भी आप ले सकते हैं। सबसे मेन बात इसका जो पिक्सल साइज है वो है 4:1, मतलब जो 4 पिक्सल उसको कंबाइन करके एक में किया गया, और तो इसीलिए उसका जो इफिशियंट पिक्सल साइज है वो बढ़ जाता है, और इसलिए वो 2 μm का यहाँ पे पिक्सल साइज देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको HDR का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा की मदद से आप फेस अनलॉक का भी फीचर यूज कर सकते हैं। तो फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा होने वाला है इस फोन का। रियर कैमरा की बात करूँ तो 12+5MP का कैमरा देखने को मिलता है, PDF का फेस फोकस देखने को मिल जाएगा, F2.2 का अपर्चर है, LED फ्लैश तो देखने को मिल जाएगी। बैक में भी आपको AI पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाएगा, HDR से लेकर हर चीज़ मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो 1080p आप कर सकते हैं 30fps पे, और 720p 30fps तक आप कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग 4K आप नहीं कर सकते हैं। इसमें स्क्रीन की मैं बात करूं तो 18:9 फुल स्क्रीन देखने को मिलता है आपको, 5.9 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, पिक्सल पर इंच का डेंसिटी मतलब PPI का पिक्सल पर इंच डेंसिटी की मैं बात करूँ तो वो 269 है। वो इसलिए क्योंकि HD+ रिजोल्यूशन वाला आपको 720p वाला स्क्रीन देखने को मिलता है जिसका रिजोल्यूशन ये है, और 70.8% का यहाँ पे आपको NTSC कलर गैमेट देखने को मिलता है। इसमें सपोर्ट करता है सनलाइट स्क्रीन, बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स हैं वो देख सकते हैं डिस्प्ले में आप। चलिए मैं बात करता हूँ एक्सटीरियर की, तो यहाँ आपको 8.1 थिकनेस देखने को मिलता है, देख सकते हैं 8.1 थिकनेस, तो ज़्यादा मोटा भी नहीं है मोबाइल। लुक के मामले में काफ़ी अच्छा है, मेटल यूनिवर्सिटी डिज़ाइन देखने को मिलता है आपको, एंटीना बैंड्स का जो डिज़ाइन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए बैटरी की मैं बात करता हूँ, बैटरी यहाँ पे 3080mAh का टिपिकल और मिनिमम 3000mAh का बैटरी देखने को मिलता है, और 3000mAh के बैटरी में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको मिलता है नॉर्मल 5V@2A मतलब 10W का चार्जिंग देखने को मिलता है इसमें, और जो चार्जर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 10W का ही चार्जर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं सबसे अच्छी और ख़ास बात की मैं बात करूँ तो वो इसका 2+1 कार्ड स्लॉट। यहाँ पे आपको कोई भी कंजूसी नहीं की गई है कार्ड एक्सपेंशन, microSD कार्ड एक्सपेंशन में आपको यहाँ प्रॉपर ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें 2 आप नैनो सिम के लिए यूज कर सकते हैं और तीसरा microSD कार्ड के एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे नेटवर्क बैंड भी देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा नेटवर्क बैंड अवेलेबल है। फिंगरप्रिंट एंड कीज़ की मैं बात करूँ तो फिंगरप्रिंट आपको पीछे में देखने को मिलेगा, 3.5mm जैक देखने को इसमें मिल जाएगी। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन था कि क्या इसमें 3.5mm जैक देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो जी हाँ, इसमें आपको 3.5mm जैक देखने को मिलती है। microUSB पोर्ट है, USB टाइप सी नहीं है यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखने वाली है बस। सेंसर की बात करूँ तो आपको बेसिक सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, रेडमी का फ़ोन है तो रेडमी सेंसर स्किप नहीं करता है, तो गायरो से लेके इंफ्रारेड इनका अपना सब फोन में आपको मिलता है, इंफ्रारेड गायरो भी इस गायरोस्कोप मिल जाता है, कंपास तक का भी हमें मिल जाता है, लाइट सेंसर, एक्सेलरेशन, प्रॉक्सिमिटी तो मिल ही जाता है, तो इतना कुछ यहाँ पे सेंसर में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए मैं बात करता हूँ इन द बॉक्स कंटेंट्स की, तो यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन मिलता है, पावर अडैप्टर मिलता है, USB 2.0 डेटा केबल मिलता है, गारंटी और वारंटी सर्टिफिकेट, गेटिंग स्टार्ट क्विक गाइड सपोर्ट देखने को मिलता है, हाई ट्रांसपेरेंसी प्रोटेक्टिव कवर भी देखने को मिलता है, आपको कवर भी मिल जाएगा, और पिन सिम इजेक्टर पिन भी देखने को। ये थी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन इस फोन की। अब आखिर में बात करते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या है, तो इसके जो प्राइसिंग है 4GB+64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट का वो है 1299 CNY, यानी कि 1299 चाइनीज युआन, और इसको अगर कन्वर्ट करता हूँ मैं INR में तो तकरीबन आता है ये 14,000 INR इंडियन रुपीज, तो 14,000 में काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन है, और 14,000 में आपको HD+ मतलब 720p रिजोल्यूशन वाला फ़ोन बहुत ही बेकार है। लेकिन इसका जो 3GB+32GB इंटरनल स्टोरेज वाला है वो है 9999 CNY, यानी कि 9999 चाइनीज युआन,
कन्वर्ट करता हूँ मैं इसे INR इंडियन रुपीज में, तो आता है तकरीबन 11,000 के करीब। तो 11,000 में ये ज़्यादा सही है। अगर आप फ़ोन ये Redmi S2 लेने की कंसीडर कर रहे हैं तो मैं पूरा फुल रिकमेंड करूँगा कि 3GB प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला आप फ़ोन लीजिए, बिकॉज 4GB प्लस 64GB लेने का कोई मतलब नहीं। उतना प्राइस 3,000 एक्स्ट्रा प्राइस पे कर रहा है, और सिर्फ रैम के लिए ही, 1GB रैम के लिए। स्टोरेज का कोई मतलब बनता नहीं क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर सिम ट्रे देखने को मिलता है। तो 32GB इंटरनल स्टोरेज इनफ है, आप एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा अगर Redmi S2, आप अगर आप बजट में फ्रंट कैमरा अच्छा चाहते हैं, ओवरऑल रियर कैमरा भी काफ़ी अच्छा है इस फोन का, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन लीजिएगा अभी तो 3GB प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज लीजिएगा। तो चाइनाज के अंदर कुछ इस तरह की प्राइसिंग, देखते हैं इंडिया में कब तक आएगा। अभी कुछ ऑफिशियल लॉन्च डेट नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन मे बी विद इन अ मंथ और टू आ सकता है। और जब भी कोई भी न्यूज़ आएगा इससे रिलेटेड तो मैं आपको अपडेटेड करता रहूँगा। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए भी कर सकते हैं आप, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप मेरे वीडियो देख पाएं सबसे पहले। आशा करता हूँ कि मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जरूर से इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपका अभी भी सवाल या सुझाव कुछ बच जाता है तो कमेंट करके मुझसे आप जरूर पूछ सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।